जय जय भारत दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला आज लाइव भारत आपके पास ऐसी कहानी लेके आया है कि जो सोना ऐसा जो सोना हराम कर दे जी हाँ मैं बात करता हूं मैं सुधीर कुमार मक्कड़ उर्फ गोल्डन बाबा की तो गोल्डन बाबा की खासियत थी कि ये 25 किलो सोना पहन के ये निकला करते थे चाहे वो कावड़ यात्रा हो हरिद्वार यात्रा हो चाहे गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर की यात्रा हो तो हम आपको बताऊँ मैं आज ऐसे शख्स से मिलनाता हूँ आपको जिनके पास गोल्डन बाबा आते रहे फिलहाल ये मूल रूप गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और इनका कल रात को निधन हो गया है तो हम गोल्डन बाबा के साथ जुड़ी यादें इस परिवार के साथ क्या हैं हम जानते हैं इस भाटिया परिवार से और हम आपको बता दूँ कि पचास पचास बाउंसरों के साथ गोल्डन बाबा जब निकलते थे तो पायलट जिप्सी उनको को सिक्योरिटी करती थी और सबसे बड़े बात इलाके का जो पुलिस होती थी वो चारों तरफ घेराबंदी कर लेती थी तो हम भाटिया के गन हाउस की हम बात करें तो ये भाटिया गन में यहां पे वो आया करते थे और राजीव भाटिया बिट्टू जी जो है गोल्डन बाबा जी के वो दोस्त भी थे सखा भी थे और जीव कह बहुत मोहब्बत था प्यार था और उस, उनके जाने के बाद आज इस इन बच्चों में प्यार है तो हम जानेंगे राजीव भाटिया जी से और सबसे राजीव भाटिया के बेटे जी से और हम जानेंगे ये भी राज की गोल्डन बाबा का इस परिवार के साथ कितना नाता रहा तो हम बात करते हैं आपका नाम क्या है भाटिया जी और मुझे बताइए क्या गोल्डन बाबा के साथ आपकी यादें जुड़ी हैं मेरी गोल्डन बाबा जी मेरे फादर साहब के थ्रू पहले मेरे फादर साहब के दोस्त थे फिर मैं उनके साथ जाता था जी। उनके साथ मैं कई तीर्थ गया कई मंदिर में गया उनका काफी रुतबा था और काफी अच्छे उनके साथ हमें दर्शन होते थे भगवान के साथ जोड़ने वाले ही वो एक थे हमें उन्होंने पहले वो बिजनेसमैन थे तब आते थे हमारे पास फिर उन्होंने मतलब काफ़ी दो चार साल बाद उन्होंने ये चोला पहना बाबा जी का जब पहना तब भी मेरे को कॉल आया कि तू मतलब आ उधर कि मैंने ज़िंदगी में कारोबार छोड़ देना है हर चीज़ छोड़ देनी है मैंने त्याग देनी है मैंने अपने कुछ प्रश्ता त्याप भी वो करना चाहता हूँ तू वहाँ पर जरूर आना तो जब उन्होंने महंताई का चोला लिया तब भी मैं वहाँ गया हर साल होली पर भी मैं उनके साथ रहता था मतलब घूमना मेरी शादी पे आना जाना और भगवान के साथ जोड़ने वाले ही वो शख्स थे मेरे को और किसी टाइम कुंभ में हम उनके साथ गए तो उन्होंने मेरे से वो कर्म करवा दिए जो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी मेरे फादर साहब को स्नान करवाया उन्होंने कुंभ में और मेरे को उनकी मतलब स्नान करते वक्त उनके ऊपर पानी डालने का मतलब जो भी महत्व था उन्होंने मेरे को सिखाया अच्छा ये बताइए कि जब वो यहाँ आते थे आपके इस दुकान में या आपकी शादी में आए तब तो कितने बाउंसर बाउंसर होते थे क्या सिक्योरिटी होती थी आपने उनके साथ एट टाइम 20 और 20-25 उनके साथ जो बंदे उनके चेले चांटे होते थे वो साथ ही चलते थे कितना कितना सोना पहन के निकलते थे 25 किलो शादी की यादें बताएं कुछ शादी की आपके साथ हाँ मेरी शादी पे वो खुद आए थे मतलब पूरा नाइट स्टे किया उन्होंने अमृतसर पहले मेरे हवेली रिट में मेरी मैरिज हुई उसके बाद यहाँ पर एक क्या नाम है होटल है बोलगा उनके साथ भी उनका काफी रिलेशन है उनके ही होटल रहते थे और मतलब उनसे ही मिलना है, उनके ही होटल रहना तो साथ। बाबा सुधीर कुमार मक्कड़ उर्फ गोल्डन बाबा के निधन में आप नहीं जा सके दिल्ली क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे यादें तो आपने हमें बता दी मेरा थी? आज उनके घर वालों से बातचीत हुई तो अभी तो उनका मतलब संस्कार होना है की आजकल कोविड की वजह से प्रॉब्लम ही आ रही है कि मतलब 20 या 50 बंदों से ऊपर जा नहीं सकते अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा भी कि डीएम को कि मैंने कहीं मतलब जाना मतलब संस्कार पे तो वो परमिशन नहीं देंगे क्योंकि बीस बंदे तो उनके घर वाले ही होंगे तो निधन आज कल हुआ आपको खबर मिली उसके बाद में आपने फोन वगैरह किया बातचीत कुछ हुई मेरी बातचीत हुई काफी मतलब पंद्रह बीस दिन से वो मतलब में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कल रात को उनका निर्धन हुआ मेरे को भी पता लगा फिर मैंने फैमिली में बात की उनसे तो काफ़ी शोक का मतलब माहौल था तो ये थे मनु भाटिया जी और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें गोल्डन बाबा जहां मैं बैठा हूं यहां पर भी आकर यहीं पर बैठा करते थे और सबसे बड़ी बात है कि राजीव भाटिया जो इस परिवार के इनके पिताजी हैं उनके साथ उनका बड़ी घनिष्ठता थी और जब गोल्डन बाबा यहां आते थे तो कम से कम पचास लोग उनके बाउंसर उनके साथ चलते थे बीस पच्चीस तीस लोग सिक्योरिटी दूसरी हुआ करती थी और पुलिस की छावनी बन जाता था जिप्सी उनको पायलट मिलती थी और जहाँ भी जाते थे तो बिल्कुल लाव लश्कर ऐसा कि और हर कोई उसको सेल्फी लेने के लिए उतावला होता था और जब वो पच्चीस किलो सोना पहन के जब निकलते थे कांवड़ यात्रा हो या हरिद्वार की बात हो तो सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है हम आपको बताएं अमृतसर में एक ऐसा इकलौता परिवार है जहां पर वो गोल्डन बाबा आया करते थे तो हम इस परिवार के एक और बेटे से जानेंगे गोल्डन बाबा के साथ गुजारे वो पल तो आप देखते रहें लाइव भारत तो लाइव भारत आपको दिखाता है ऐसी कहानी गोल्डन बाबा की जिन्होंने 25 किलो सोना पहन के जब वो निकलते थे तो सेल्फी लेने के लिए होड़ लग जाती थी मैं आपको बताऊं कि इस परिवार को यानी कि भाटिया गन हाउस के परिवार को गोल्डन बाबा का आशीर्वाद रहा है और वो जब जब भी यहाँ आए तो यहाँ पर इनके पास रहे तो मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जो गोल्डन बाबा का दिया नाम उनको दिया है उन्होंने और आज वो उसी नाम से फेमस है तो हम आपको बताते हैं कि राजीव भाटिया और बिट्टू जी के वो दोस्त थे तो गोल्डन बाबा जी जब यहाँ आते थे तो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते थे हम बात करते हैं करण भाई भाटिया की। तो हम पूछते हैं जी करण भाई भाटिया ये भाई शब्द कहाँ से मिला भाई शब्द मुझे गोल्डन बाबा जी ने दिया था और उनकी एक पहचान थी जब उनको सब लोग बिट्टू जो उनका नाम बिट्टू था ना तब सब उनको बिट्टू भाई के नाम से जानते थे जी। जब मैं उनके पास दिल्ली जाता था उनके साथ मेरा उठना बैठना था फादर के साथ हमारा बहुत ही ज्यादा प्यार था और 25 साल पुराना हमारा फादर का रिलेशन था हमारे साथ छोटे छोटे थे जब हमारे पास आते थे एक दिन जब मैं बाबा के पास दिल्ली में उनको बाबा के नाम से उनको कहता था लेकिन जब मैं एक दिन उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा करण आज के बाद तुम्हारा नाम जो है ना करण भाई के नाम से जाना जाएगा क्योंकि दिल्ली में सब लोग भाई की तरह सबको मानते थे प्यार करते थे पूछते थे लेकिन इसी तरह आज जो नाम भाई उन्होंने दिया था वो मुझे उन्होंने ही दिया था अच्छा करण जी ये बताइए कि जब वो आते थे तो बिल्कुल लग जाती थी पायलट जिप्सी लग जाती थी सिक्योरिटी होती थी बाउंसर होते थे उनकी सिक्योरिटी में इतना सोना पहन के चलना और मैं समझता हूँ कि पंजाब में आना क्योंकि वो उन्नीस के बाद कई बार, बार यहाँ पे आए हैं तो जब आते थे आपके घर या आपके घर शादी में आए या आपके शॉप पे आए तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कैसी रहती थी थोड़ा सा बताएं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती थी उनके पास पच्चीस बाउंसर उनके कम से कम पंद्रह से बीस साल वो पुराने लोग थे जो उनके साथ हर टाइम उनके साथ रहते थे और जब भी वो ज्वेलरी अपनी जो पहनते थे उनके बॉन्सर सब उनके साथ होते थे और स्पेशल उनके उनको सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिले हुए थे और 25 किलो पहन के चलना ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में उनमें बहुत बड़ी और जिस तरह कुंभ में हर धर्म से उसमें उन्होंने साथ चलना कुंभ का पीछे मेला लगा था ना तो वहाँ पर 25 किलो सोना पहनकर चलना पूरी दुनिया को देखती थी आज मुझे खुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि उनके जिस तरह देहांत होने के बाद रात को ही बड़ा शौक़ हमारे में लहर चल रही है सारी फैमिली उनसे हमारी बात हुई क्योंकि इस टाइम जो माहौल चल रहा है कोरोना का अगर आज वो कोरोना ना होता तो आज उनके अंतिम दर्शन करने कल कम से कम लाखों की तादाद में लोग होते लाखों के तादाद में लोग होते तो यह कोरोना का संकट काल है और हम आपको बता दूं जिन बाबा गोल्डन बाबा के साथ 50-50 बाउंसर चला करते थे और मैं समझता हूं जिस शहर में कांवड़ यात्रा की बात करूं या जिस शहर में उनका आना या जाना होता था तो वहां की भाई अलर्ट पुलिस हो जाया करती थी पच्चीस किलो सोना पहन चलने वाला गोल्डन बाबा शायद ही देश दुनिया में एक एक मिसाल है सबसे बड़ी बात कि बाबा गोल्डन बाबा का पूरा नाम सुधीर कुमार मक्कड़ पहले व्यवसायी थे और उसके बाद में ये सन्यासी बने उन्होंने इनको ये सोना को अपना इष्ट देवता मानते थे और इनका शरीर के जो आप हम आपको फोटो जो आपको हम दिखाएंगे आप देख सकते हैं कि हर उंगलियों में सोना और ये समझ लीजिए कि इनके सोना ने इनके जितने गनमैन थे या जितने बाउंसर उनका सोना हराम कर दिया था क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये चलते चलते जैसे 25 किलो सोना की कीमत क्या होगी अगर हम बात करें क्योंकि ये 18 मई से यहाँ पे उपचाराधीन चल रहे थे इसके पहले ये जब भी घर से निकलते थे तो 25 किलो सोना पहन के निकलते थे तो मैं समझता हूँ ये गोल्डन बाबा का जो रात को पीती रात को इनका निधन हुआ है तो शौक की लहर पूरे देश पूरे दुनिया और उन, उनके जितने भी चहे थे उनमें तो जो है ही लेकिन मैं आप करूँ भाटिया गन और यानी कि भाटिया परिवार में तो भाटिया परिवार में उनकी यादें बहुत गूढ़ी जुड़ी हुई हैं गोल्डन बाबा यहीं आया करते थे के घर में रहा करते थे और भाटिया में वो अक्सर जब भी आते तो आशीर्वाद देने जब आते तो पूरे इलाके में हाई अलर्ट हो जाता सिक्योरिटी तो उनकी देखने के लिए लोग रुक रुक के देखते और जब गोल्डन बाबा अपने खुली जिप्सी में चला करते थे तब लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मैं समझता हूं कि चाहे महिलाएं हो लड़कियां हो युवा हो कोई भी हो हर मजहब कोई मजहब नहीं हर वर्ग का लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आतूर रहता था तो आखिरी सवाल सर गोल्डन बाबा का गोल्डन युग का निधन हुआ है अब उनका क्योंकि वो जिस तरह से पंचदश नाम जूना खाड़े के बरेली के थे अब उनकी विरासत किसको मिलने वाली है देखो उनका पीछे परिवार था उनके भाई थे उनके सिस्टर थी तो मेरे ख्याल से सारी विरासत उनको ही मिलनी चाहिए तो बाकी और भी बड़े सलकर में लोग थे उनके उठना बैठना था दोस्त थे मित्र थे लेकिन अब कोरोना कारण के हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं इतनी बातचीत हो नहीं पा रही है अच्छा गोल्डन बाबा के ऐसा बाबा कहीं देखा जो गोल्डन हो जी नहीं बिल्कुल गोल्डन बाबा सिर्फ़ एक ही था दोबारा हो ही नहीं सकता उनका स्वभाव जो उनसे जो मिलता था ना सिर्फ उन्हीं का ही होकर रह जाता था ये उनका बहुत बढ़िया आपको मैं क्या बताऊं कि उनकी जो नेचर थी ना वो अपने पिता के प्रति थी मैं हम उनको हमेशा पिता की तरह पूछते थे और वैसे ही पापा के निधन के बाद उन्होंने हमें पिता की तरह वो हमें सपोर्ट भी की बड़ा सहारा मिला आज मुझे खुद बड़ा हो रहा कि मैं हम वहाँ जाना चाहते हैं तो हमें परमिशन नहीं मिल रही चलिए तो ये थी गोल्डन बाबा की गोल्डन कहानी जो लाइव भारत ने आपको दिखाया सबसे बड़ी बात हमने ऐसे परिवार से मिलाया जहां गोल्डन बाबा अपना परिवार मानता था और ये बच्चे कह रहे हैं कि मुझे पिताजी के निधन के बाद उन्होंने पिता तुल्य हमें प्यार दिया और सबसे बड़ी बात है कि गोल्डन बाबा इसी शॉप पर आया करते थे भाटिया का गन्हा उस भाटिया परिवार से मिला करते थे और जब वो पच्चीस किलो सोना पहन के सड़क पर निकलते थे तो अमृतसर की गलियाँ हों या देश की कोई भी गलियाँ कोई भी सड़क हो उनको देखने के लिए लोग रुक जाया करते थे कदम रुक जाते थे लेकिन उनके साथ है बीती रात को रुक गई और उनके साथ से रुकने के बाद गोल्डन बाबा की ये स्पेशल स्टोरी हमने आपको गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर से आपको दिखाई आपको गोल्डन बाबा की कहानी भी बताई कुल मिलाकर गोल्डन बाबा को याद करने वाले पे पूरे देश दुनिया में होंगे लेकिन ये परिवार ऐसा है जैसा कि उन्होंने कहा कि पिता जाने के बाद पिता के चले जाने के बाद एक पिता की तरह उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी प्यार दिया मोहब्बत दिया आज बाबा जी नहीं है कोरोना के संकट काल में ये दिल्ली तो नहीं जा सकते लेकिन पूरा परिवार शोक में डूबा है तो ये थी स्पेशल स्टोरी लाइव भारत पर मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की जय हिंद जय भारत